कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं जयश्री पवार और आज हम हमारे गार्डन में हार्वेस्टिंग करने के लिए आए हैं। और कस्टर्ड एप्पल की जो हमने उनको फर्टिलाइजर दिए थे ना, वो पैच के और ऑर्गेनिक तरीके से उन्हें उगाया था। अभी मेरे गार्डन में ही आप देखते होंगे, हमेशा मेरे पीछे ही रहता है ये पेड़। और अभी देखो, इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, बोल है वो बहुत ऊपर है। और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। तो चलो फिर उसे तोड़ते हैं। उस तक पहुंचने के लिए मैंने लिया है छोटा सा स्टूल और अभी हम चढ़ जाएंगे ऊपर। अब इतने मेहनत से उगा है तो वो कहीं भी हो उस तक पहुंच ही जाएंगे। देखो पहुंच गए ना। मिल गए हमें आखिरकार। देखो कितना अच्छा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सा है। और अभी हम और लेंगे इसको, यहाँ मैं तुलसी में रख देती हूँ। ये रहा दूसरा वाला, इसको भी हम तोड़ेंगे, इसे भी रख देंगे। और भी मिला है हमें, अब इसे भी रखेंगे हम यहाँ पर। देखो कितने अच्छे आंख आए हैं इनके, बहुत बढ़िया से। अब ये देखो, ये तोड़ने लायक बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके आंख अभी खुले नहीं है। क्योंकि आंख खुलना मतलब यहाँ पे पूरा रेड रेड और पिंक कलर का आ जाता है, तभी ये तोड़ने लायक होता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी तोड़ने के लिए रेडी नहीं है। कौन से भी फल हो एक साथ तो नहीं पक सकते, इसीलिए धीरे धीरे देखो है ना, बहुत जाते हैं और हम वो तोड़ लेते हैं। भी बहुत सारे फिर नए आते, मतलब ये साइकिल और ये एक ही साथ में आते, बस थोड़े थोड़े हम जाने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा लगता है घर में और खुद मेहनत से लगाया हुआ पेड़ से फल खाने में बहुत मजा आता है, आप भी जरूर लगाना। अभी हम दूसरे पेड़ का तोड़ेंगे और वो बहुत ऊपर जा चुका है और इसलिए उसको छोटा स्टूल से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने बड़ा सा स्टूल लाया है। अभी इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ये पेड़ मेरा बहुत बड़ा हो चुका है और फल इतने ऊपर लग रहे हैं अभी कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, उस तक पहुँच ही जाती हूँ किसी भी तरीके से। और देखो मिल भी गया। देखो कितना अच्छा सब ये दो दिन में ही पक जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये भी इसकी भी आँख निकल चुकी है पूरी। जो एक दिन में पकने वाले थे उसको मैंने तोड़ लिया और देखो ये इकट्ठा हो गए, अभी चार हो गए, तो ये एक दो दिन में पक जाएंगे। और फिर हम ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और इसे सही टाइम पे नहीं तोड़ा जाए तो देखो कैसे पंछी खा जाते हैं। बहुत सारे पंछी खाते हैं हमारे, तो क्योंकि हम उसे पेड़ पर ही पका हुआ देखना खाना चाहते हैं इसलिए। और कभी कभी तो गिर भी जाते हैं ये पके हुए नीचे, ये इसका पकने के बाद ये रुकता बिल्कुल नहीं ऊपर पेड़ के ऊपर, वो सीधे नीचे आ जाता है। कस्टर्ड एप्पल तोड़ने में तो हमारा पसीना छूट गया, लेकिन इतने अच्छे कस्टर्ड एप्पल हमें मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं और खुद मेहनत करके इसको उगाया है, तो इसे खाने का मजा भी बहुत अच्छा आएगा। और ये देखो कितने प्रयास से मिले हैं, देखो पंछी भी कैसे खा गए उसको, ये बहुत ऊपर है। अभी जो इतने प्यारे प्यारे हम तोड़कर लाए कस्टर्ड एप्पल, अभी इसको हम ऐसे दो दिन के लिए इसे कॉटन के कपड़े से ढककर रखेंगे ताकि इसे गर्मी मिले और गर्मी से ये जल्दी से पक जाए। इसे आप ऐसे रखेंगे, जो हमने ढककर रखा था अभी देखेंगे उसमें कौन से अच्छे से पक चुके हैं। ये देखो बिल्कुल भी पक चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है
और इसे चाकू से कट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये कल पकेगा और ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे पक जाएंगे। ये अभी इसको हम कट करके खाएंगे। ये देखो कितना अच्छा सा हो चुका है अभी ये, और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ऊपर से ऐसे दबाने से, प्रेस करने से भी फट जाएगा ये। और इसको ऐसी तरह से भी खाया जाता है। और देखो इसमें तो बीज भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आ चुके हैं। ये सीताफल बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट है, क्योंकि इसे हमें ऑर्गेनिक पद्धति से उगाया है। और इसके बीज जो है इसको भी हम फिर से लगा सकते हैं। बीज लगाओगे तो ये फिर से उग जाएगा। और देखो कितने अच्छे से बीज है इसके, और ये बिल्कुल दोबारा लगाने के लायक है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।